ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज नारी जागृति एवं समस्या निदान केंद्र द्वारा सावन महोत्सव व राखी बंधन का कार्यक्रम किया गया। इसमें संस्था की महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ब्यूटी क्वीन प्रथम अंकिता द्विवेदी, द्वितीय प्रेमलता तिवारी, तृतीय मनीषा मिश्रा। चुनी गई महिलाओं को मुख्य अतिथि भाजपा की वीना आर्या जी द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि थाना महिला अध्यक्ष स्नेहलता, वार्ड 80 के पार्षद हरिशंकर गुप्ता ने शील्ड व गिफ्ट देकर सम्मानित किया। प्रबंधक सीमा त्रिपाठी ने बताया कि तड़का मसाले व एडवोकेट रामजी उपाध्याय की तरफ से सभी महिलाओं को राखी गिफ्ट दिए गए। सभी भाइयों को राखी बांधकर वचन लिया गया, वो बहनों की सुरक्षा करेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। आज हमारे इस बाबू प्रो मंडल में हमारी सब बहनों जो हमारे रिश्तेदार जी भी हैं और हमारी सीमा जी और सभी हमारी यहाँ की जो समाज सेवा करने वाली महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। उन लोगों ने मिल करके ये हरियाणी की इसका कार्यक्रम रखा है और सच में इन्होंने ये पुरानी परंपराएं जो हमारी हैं उन परंपराओं को जीवंत रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। जैसा कि अपना देश ही अपने त्यौहारों का ही देश है और विभिन्न प्रकार के त्यौहार यहाँ पे होते हैं और ये त्यौहार जीवन एक रास्ता को तोड़ते हैं, एक रास्ता हम जाते हैं जो एक रस हो जाता है जीवन में उसमें विविधता लाता है। हमारी महिला बहनें बहुत ही तारीफ काबिल हैं कि इतनी व्यस्तता के बावजूद अपने घर में अपने घर को संभालती हैं, बाहर भी काम करती हैं, सामाजिक काम करती हैं और कोई भी ऐसा अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देती हैं, कोई भी खुशी का अवसर नहीं जाने देती हैं, उसको खुशी के रूप में मनाती हैं, खुशियाँ देती हैं, खुशियाँ देती हैं। इसलिए हमारे जो हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हमारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हर एक त्यौहार को कोई भी त्यौहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, होली दिवाली दशहरा तो सभी मनाते हैं लेकिन तीज जैसा त्यौहार उसी महिलाओं का ही होता है। महिलाएँ जैसे झूला भी झूलती हैं, झूला भी डालती हैं और देखिए ग्रीन कलर में सब हरे कलर में रंगी हुई अपनी परंपरा को निभाती चली आ रही है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष इन त्यौहारों को अपने से उसे जागृत रखें और हमारे देश में अपनी जो छाप है हमारी संस्कृति को उसको बनाए रखें। इसके के प्रबंधक सीमा त्रिपाठी हूँ। आज मेरा सावन महोत्सव का प्रोग्राम हुआ है, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इसमें महिलाओं जैसे जो अच्छा गाना गाई है, अच्छा डांस किए हैं और जो ब्यूटी अच्छी सी है सोलह श्रृंगार करके आई हैं उनको प्राइज मिलेगा। और इसके साथ ही साथ मैं एक रक्षाबंधन का प्रोग्राम भी कर रही हूँ जो 3 से 4 के बीच में भी होगा। सब मेरे भाई आएंगे, उसमें हर राजनीतिक पार्टी के भाई होंगे क्योंकि ये मेरा सामाजिक कार्य है। मैं सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, मैं सामाजिक संस्था से सही काम करती हूँ तो इसमें सभी लिए मेरे लिए बराबर है। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के तौर पर वीना आर्या दीदी आ रही हैं क्योंकि महिलाओं का प्रोग्राम भी रखा हुआ है, इसलिए महिला वीना आर्या दीदी को मैंने आमंत्रित किया है कि वो हमारी बड़ी बहन है, आके यहाँ का मार्गदर्शन करें। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।